सरकारें रेवेन्यू के लिए स्टाम्प इशू करते हैं। वो पेपर पर एक सील या मार्क लगी होती है या उस पर कुछ छपाई होती है, तो वो रेवेन्यू के लिए सरकारें यूज करती है। और अगर उन स्टाम्प का कोई व्यक्ति उनकी जालसाजी करता है या जालसाजी के प्रोसेस में भाग लेता है और उसको पता है कि ये स्टाम्प की जालसाजी करने के लिए है, तो ऐसे काम करने पर उस व्यक्ति को उम्र कैद या 10 साल तक की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 255 में दिया गया है। ऐसे मामलों को सेशन कोर्ट ट्राई करता है। ऐसे मामले नॉन बेलेबल होते हैं और कोग्निजेबल ऑफेंस है।